चैनल मेरा नाम है सूर्या और मैं लेके आई हूँ गाइस एक नया फूड चैलेंज वीडियो। बिल्कुल अच्छी खबर ये है वैसे कि मेरा जो ट्राइपॉड है वो आ गया है और इसीलिए मैंने ट्राइपॉड का एकदम सेट करके अभी मैं वीडियो शूट करने वाली हूँ। बहुत दिक्कत हो रही थी पिछले जो फूड चैलेंज था वो मैं बिल्कुल सैटिस्फाइड नहीं थी उस फूड चैलेंज से। सो कोई बात नहीं, आज का जो फूड चैलेंज है गाइस वो है आई ओनली एट पोटैटो फॉर 24 आवर्स। मतलब आज हम पूरा दिन जो है आलू ही खाने वाले हैं। आलू आलू दिन सुबह शाम रात दोपहर पूरा उठते जागते सिर्फ आलू। तो गाइस आज की वीडियो में आपको ना बहुत ढेर सारी यम्मी यम्मी जो है आलू की डिशेस मिलने वाली हैं। सो आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। ये चैलेंज हमें दिया है अमित चौहान ने, शॉर्ट मेकअप ट्यूटोरियल्स हैं उन्होंने दिया है, तरुणा कन्हा करके हैं उन्होंने दिया है और जो है वो है सुरेंद्र जैन। तो ये हैं जिन्होंने आज का जो फूड चैलेंज आया है ओनली एट पोटैटो फॉर 24 आवर्स दिया है। सो गाइस देरी नहीं करते हैं, चलते हैं किचन की साइड, ब्रेकफास्ट खाते हैं, कुछ बनाते हैं अच्छा सा यम्मी सा ब्रेकफास्ट और कुछ नहीं, बस फिलहाल तो कुछ बना। सो चलो। सो गाइस हमने जो पोटैटो हैं वो पील कर लिए हैं और इसको हम क्या कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। जो हमने ग्रेट किया हुआ है आलू इसको हम पानी के अंदर ना थोड़ी देर डिप करके रख देंगे। अच्छे से इसको निचोड़ के पानी निकाल कर हम इसमें डाल लेते हैं। पूरा पानी निकालना है इसका, सारा का निचोड़ के एकदम थोड़ा थोड़ा करके मैं ना अच्छे से इसको कस के एकदम ऐसे करके हम इसका पानी निकाल लेंगे। तो ये हमने निकाल लिया पूरा एकदम पानी जो है इसको निचोड़ कर। अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले नमक, इसको बाइंड करने के लिए हम बेसन ऐड करेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, थोड़ा सा जीरा पाउडर। आप जीरा भी ऐड कर सकते हो, मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ ताकि ना फ्लेवर बहुत अच्छा आए यम्मी यम्मी सा। इसमें डालेंगे पेपर, तो अच्छे से ना गूंद लेते हैं, थोड़ा सा पेस्ट बना लेते हैं। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल देंगे, थोड़ा सा कलर अच्छा जाएगा और मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। बस ये हमारा रेडी है। अब हम इसका क्या बनाएंगे गाइस, कुछ आइडिया हुआ क्या बना रहे हैं? हम इसका बना रहे हैं आलू का चिल्ला। तो आलू चिल्ला बनेगा इससे हमारा ब्रेकफास्ट। हमारा ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है, जो कि क्या बनाया है हमने, पोटैटो चिल्ला। देखा कितना ज़्यादा इजी है बनाना, कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आपने ये बनाया। मतलब आपको क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा बेसन, कॉर्नफ्लोर ऑप्शनल है, अगर आप नहीं है तो आप नहीं ऐड कीजिए, सिर्फ बेसन ऐड कर दें, थोड़ा बाइंड हो जाएगा, नमक और जो आपको पसंद है थोड़े से मसाले डाल के। भाई सब बन गया हमारा क्या चिल्ला, देख तो ट्राई करते हैं। आप इसको सॉस के साथ खा सकते हैं या जिसके साथ आपको मन करे खाएं, तो मैं तो इसको ऐसे खा रही हूँ। देखिए नमक थोड़ा सा कम डाला है मैं इसे, बस नमक कम है, पर जो फ्लेवर आ रहा है बहुत बहुत अच्छा है और बहुत क्रिस्पी है। देखो कितना इजी ब्रेकफास्ट है, मतलब आप इसको 10 से 15 मिनट के अंदर आराम से बना सकते हैं। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए तो कितना आसान है ना। इसको भी ट्राई करते हैं, ये ना थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्पी लग रहा है, इसको ट्राई करते हैं।
ज्यादा अच्छा उसको जाएगा तो मिर्ची को पता नहीं कैसे है। बहुत जबरदस्त है यार मिर्ची बस नाम की है ये। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, जाके लाइक भी करो। तब तक मैं जो पोटैटो चैलेंज है वो कंप्लीट करती हूँ, तुम जाके लाइक करो, जाके लाइक करो, शेयर करो, और अगर अच्छी लगे ना तो सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। ओके गाइस, तो बाय। अभी हमारा हो चुका है लंच का टाइम, और लंच में क्या खाने वाले हैं पता है आपको? लंच में हम बनाने वाले हैं दम आलू, बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक वे में। सही बोलूँ तो मैक्सिमम जो वीडियोस देखी है कुछ कुछ वो ऑथेंटिक वे में नहीं बनाते हैं, मतलब जो दम आलू रहते हैं, जो कश्मीरी दम आलू हैं वो बहुत ज़्यादा तेल में पकते हैं और ऑथेंटिक, और उसमें वो अनियन गार्लिक वगैरह कुछ ऐड नहीं होता है गाइस, बहुत सिंपल मसाले रहते हैं। तो आज ना आपको मेरी मम्मा के हाथ की कश्मीरी जो रेसिपी मिलने वाली है, सो गाइस आज का लंच बड़ा ज़रा ड्रूल बदी होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्या दम आलू, दम आलू और चावल और हाथों के साथ से गड़च गड़च करके खाते। सो गाइस मुझे वेट नहीं हो रहा है, चलो चलते हैं, जाके पहले बनाएंगे दम आलू, उसके बाद हम खाएंगे और अपना जो है आज नहीं सब चैलेंज कंप्लीट करना है। तो अगर तुम्हें ये अच्छा लगेगा प्लीज़ जाके लाइक करो, प्यारा सा लाइक करो, तो देरी नहीं करते, सो चलो किचन के अंदर। हमारे दम आलू हो चुके हैं एकदम दमदार रेडी, ये चावल, सो चलो डाल लेते हैं अपने दम आलू, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वाह, डालेंगे तरी, मैं इसको अपने हाथों से खाऊंगी। दम आलू को हाथों से खाने का जो मज़ा है ना, कोई भी चीज़ खाने में है, मुझे दम आलू बहुत पसंद है, मतलब हद से ज़्यादा पसंद है। और आप लोगों को पसंद है कि नहीं, ठीक है, मुझे कमेंट में पक्का बताना, और ये भी बताना कि मज़ा आया ये चैलेंज देख के, अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, पक्का बताना गाइस, मैं वेट करूँगी। हमारी पहली बाइट दम आलू की, ऑसम, क्या बात है, देखिए दम आलू इज लव, ट्रू लव, ये आलू देख कितना बड़ा है, नंदड़ू मुझे बेहद पसंद है। नंदड़ू आपको पता होगा लोटस की स्टेम जो होती है, नंदड़ू, हाँ पता नहीं आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पर जम्मू कश्मीर में उसको नंदड़ू बोलते हैं। चलो मिलते हैं शाम को और मैं खाती हूँ अपना ये मज़ेदार दम आलू। सो गाइस अभी हो चला है इवनिंग का टाइम जैसे हो रहा है, और अभी हम बनाने वाले हैं अपना विदेशी स्नैक, और मीनवाइल जो है मैं सुबह जो मैंने चिल्ले बनाए थे उसको मैंने निचोड़ के, जो मैंने जूस निचोड़ा था ये देखिए, इसको मैं अपने फेस पे और अपने अंडर आइज लगा रही हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आपको क्या है वो डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है
तो आप लगा सकते हैं वैसे तो। चलो अभी स्नैक्स का टाइम हो गया, मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए, लाइट नहीं थी। और हमारा जो स्नैक है वो माइक्रोवेव में बनेगा, ठीक है। और ये वाला फंडा आप अपना सकते हैं, पोटैटो जूस अंडर आईज या फेस पे लगाएंगे तो फर्क पड़ता है, अगर आप डेली लगाएंगे। अगर एक दो दिन लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो मैं ये लगा के चलते हैं किचन में, बनाते हैं स्नैक्स। अभी जो हम बनाने वाले हैं वो है पोटैटो, और ये जो है स्वीडन में जो ये जो डिश है ये स्वीडन में इन्वेंट हुई थी, स्टॉकहोम में। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे। भाई साहब हम स्वीडन की डिश बनाने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और ये मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में बन जाते हैं। हमने ये 3 पोटैटो ले लिया है, अच्छे से इनको साफ़ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इनको काटना है, पर आधा काटना है। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखिए, बिल्कुल इसको एंड तक नहीं काटना है, थोड़ा ऊपर तक रखना है इसको। देखिए ये है, ऐसे हमने काटा है इनको, तो आपने एंड तक नहीं काटना है। ये देखिए एंड तक नहीं काटना है। सो गाइस, हमने ले लिया है बटर, थोड़ा सा और डालेंगे इसमें। ये हमने बटर डाल लिया। अब हम इस बटर में गार्लिक ऐड करेंगे, डाल देंगे, ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे थाइम। थाइम एक हर्ब होती है, वो आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास नहीं है तो चलो आप इससे भी काम चला सकते हो, पर थाइम होगी तो बहुत अच्छा और बहुत प्यारा फ्लेवर आएगा इसमें, ठीक है गाइस। हाँ, थाइम कुछ ऐसा होता है, ये देखिए हर्ब है, तो हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। अब हम इसको माइक्रोवेव करके ना अच्छे से मेल्ट करेंगे, ताकि गार्लिक और जो इसका फ्लेवर है वो उसमें प्रॉपर आ जाए, ठीक है। अभी ऐसा लगता है कुछ, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है इस टाइम। ये पूरा इनको अच्छे से इनको लगा देते हैं, हमें इनको पूरा अंदर तक लगाना है, ताकि पूरी जो खुशबू है इसकी वो पोटैटोज में आ जाए। मैंने इसके अंदर पूरी तरह प्रॉपर जो है घी सॉरी बटर और जो थाइम का मैंने तैयार किया था मिक्सचर लगा दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे ऊपर से। तो हम इसको अब क्या करेंगे, बेक करेंगे, ठीक है गाइस। इनको बेक करेंगे 10 से 15 मिनट। हमारे हेजल बैक पटेटो आ गए हैं, ये देखिए पूरे बेक हो चुके हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इनकी बेक होकर। मतलब जो उसका गार्लिक का और वो फ्लेवर है दोनों बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट इनकी खुशबू आ रही है। तो गाइस हमारे हेजल बैक पटेटो आ गए हैं, इनको आपने कुछ ऐड नहीं करना, आपको सिर्फ ऐसे ही खाना है। तो मैं ना कैसे निकाल दूँ, ये ऐसे करके खा रही हूँ मैं तो। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, पूरे अंदर से एकदम बेक हो चुके हैं। इसको मैं ऐसे ही खाऊंगी। पूरा पोटैटो बहुत अच्छे से बेक हुआ है और ऊपर से जो है ये पूरा क्रिस्पी है, ये वाला जो है इसका पूरा क्रिस्पी है। क्या बात है, पक्का ट्राई करना, मेरे कहने पे ट्राई करना। मैं खाती हूँ अपना प्यारा सा स्नैक, आप घर पे पक्का ट्राई करना, बहुत सिंपल बहुत ईजी है। और थाइम तो पक्का ऐड करना, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। हमने इसको थोड़ा सा पकाना है, पूरा कंप्लीट एकदम ब्राउन नहीं करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा पका के फिर उसको हम उठा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो सॉल्ट है उसको मिर्ची में ऐड करेंगे और उसको अच्छे से ना एकदम मसल देंगे मिर्ची को, और उसके बाद एंड में सारा जो मिक्सचर है उसको मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे।
लिए इतनी मेहनत इतनी देर की मेहनत के बाद हमने बना लिए हैं ये टाकोस। तो टाकोस जो होते हैं वो मैक्सिकन रहते हैं और स्पाइसी होते हैं, तो ऐसे इसमें मैंने चीज़ डालना था, पर गाइस चीज़ अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं था। तो आज ही जो है लॉकडाउन खुला है, ओपन हुआ है जम्मू में, तो अब शायद चीज़ अवेलेबल हो जाए। इसी वजह से जो मैं चीज़ चैलेंज है वो भी नहीं कर पा रही थी, नहीं तो आज जो है आई ओनली एट चीज़ फॉर 20 आदमी। अब ग्रॉसरीज की शॉप खुलेंगी, मैं जाके पक्का जाऊँगी और चीज़ अवेलेबल पक्का होगा, मैं लेके आऊँगी। अच्छा यार, इस बार भी मैंने नमक थोड़ा सा कम डाला है, मेयोनीज़ इसलिए ऐड किया मैंने, इसका ना थोड़ा क्रीमी क्रीमी लग रहा था क्योंकि चीज़ मैंने ऐड नहीं किया। मैं करती हूँ अपना ये डिनर, टाकोस का मैक्सिकन डिनर है भाई सब हमारा। आप जाके लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। गाइस मिलते हैं यूट्यूब पे कुछ दिन तक, तो तब तक मैं अपना डिनर खाती हूँ। ओके बाय, टेक केयर।